हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 9 विषय सामाजिक इकाई 2 भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि भारत का आकार और स्थिति क्या है और किस प्रकार से भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत की जो स्थिति है वह क्या है। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले और लगभग 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में चौमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिक और समग्र रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश ने काफ़ी प्रगति की है। विश्व इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान या योगदान है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारत की स्थिति और आकार का अध्ययन करने से पहले हमें सबसे पहले भारत की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जिनके बीच में हमारा देश जो है स्थित है, हमारा भारत स्थित है, उन अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में एक सामान्य से परिचय आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का परिचय, क्योंकि भारत की आकार और स्थिति को जानने से पहले देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो पहले अगर हम बात करते हैं, हम एक डायग्राम लेंगे आपको समझाने के लिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के आधार पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली समानांतर रेखाओं को, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा क्या होती है, हमने अक्षांश पढ़ा, देशांतर के बारे में जानेंगे। उत्तर और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली असमांतर, यानी कि समांतर नहीं है। यहाँ समझना है कि हमने अक्षांश रेखाओं में बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली समानांतर, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन देशांतर की बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली असमांतर रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम जानेंगे कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल कुल संख्या कितनी है, उनके बारे में हम जानेंगे। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, मान लीजिए हमने ग्लोब देखा है, ग्लोब पर आपने लाइनें देखी होगी, ठीक है, जो बीच में लाइनें जा रही है, गोल गोल लाइनें घूम रही है, बारीक बारीक सी, और ऊपर से नीचे की ओर लाइनें आ रही है। तो जो गोल गोल घूम रही है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर लाइनें आ रही है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन उनकी संख्या कितनी है उसके बारे में जानेंगे कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 90+90, यानी कि 90+90=180, कुल जो देश अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 180 है। वो कैसे है, ये देखिए यहाँ पर कि जो 0° अक्षांश रेखा है, 0° अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0° अक्षांश रेखा से 90° उत्तरी अक्षांश में ये हमारी टोटल कितनी होगी, 90 हो गई, और 0° भूमध्य रेखा से और 90° दक्षिणी अक्षांश, ये 90 हो गई, ये 90 और ये 90, अगर दोनों को जोड़ा जाए 90+90 तो कितनी होगी टोटल, 180, यानी कि 180 हमारी टोटल कितनी होगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा में ये जो लाइन है 0° देशांतर रेखा, जैसे भूमध्य रेखा है 0° अक्षांश रेखा, ऐसे ही हमारे पास है 0° देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा कहते हैं, ठीक है। और इस ग्रीन विच रेखा में पूर्व की ओर ये 0° से, यानी कि 0° उत्तर से 0° और 90 से पूर्व की ओर ये हमारे पास हो गई 180, यानी कि 180 जो लाइनों की संख्या है, ये लाइन ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइनें खींची हुई है, इन लाइनों की संख्या, यानी कह सकते हैं कि पूर्व की ओर लाइनों की संख्या कितनी है, 180। ऐसे ही एज इट इज उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर जो खींचे देशांतर रेखाएं खींची हुई है उनकी संख्या कितनी है, 180। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 180+180=360 संख्या, यानी कि 360 हमारी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा, हमने जैसे कि पूर्व में बताया है कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली असमांतर रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज इट इज इसी की सापेक्ष कि ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर हम बात करते हैं, बार बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि
कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में भी हमें जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा बीचों बीच, यानी कि ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन जा रही है बीचों बीच, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, 0° अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0° अक्षांश से 23.5° उत्तरी अक्षांश, ये हमारे पास बैठेगी कर्क रेखा। 0° से 23.5° उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 0° से 23.5° दक्षिणी अक्षांश, ये है हमारी मकर रेखा। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8°, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर कि भारत की स्थिति में, भारत की जो स्थिति है वो 8°, यानी कि ये डिग्री है और ये मिनट है। 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये हमारा क्या है, अक्षांश विस्तार है, ठीक है। ये अक्षांश विस्तार है 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही देशांतरी विस्तार कितना है हमारा, 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है, ठीक है। तो यानी कि 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश से लेकर 68°7' से पूर्व से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि धारा 370 के हट जाने से पहले पूर्व में हमारे जो है भारत के राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन धारा 370 के जम्मू कश्मीर राज्य से हट जाने के कारण अब हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 7 थे। अब दो राज्यों को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद अब हमारे पास जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है 9, और राज्यों की संख्या 28 रह गई है। अब हम बात करते हैं भारत का आकार, आकार कितना। भारत एक भूभाग का कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक और क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम बात करें भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। और भारत की स्थल रेखा की सीमा, भारत की जो स्थल रेखा है उसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के दक्षिण और पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ में बंगाल की खाड़ी है। ऐसे ही भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप स्थित है। भारत के उत्तर और पश्चिम और तथा और उत्तर पूर्वी और सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22° और उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। भारत की और पश्चिम और दिशा में अरब सागर और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर यह भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और भारत की और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर, कितनी है, 2,933 किलोमीटर। साथ ही साथ भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश जो है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बताइए, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 8 है, जिसमें हम आप बात कर सकते हैं भारत के पड़ोसी देश जो है नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये और हमारे जो है भारत के पड़ोसी देश है। आगे हम बात करते हैं भारत का, भारत और विश्व क्या है। भारत एशिया और महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। वस्तुतः वह भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का और दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति और प्रदान करता है, क्योंकि यह और पश्चिम दिशा के स्थित यूरोपीय देशों तथा पूर्व और दिशा में अवस्थित और एशियाई और देशों को मिलाता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवर और विस्तृत है। पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के और देशों से भी और पूर्वी तट के द्वारा निकटतम संबंध स्थापित करता है। हिंद महासागर के किसी भी और देश की तटीय और सीमा भारत के समान नहीं है। हिंद महासागर में और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के देशों से संबंध और एवं आदान प्रदान किया है।
भारत का विश्व के विभिन्न देशों के साथ और संपर्क बहुत पुराना है। यह संबंध और समुद्री जलमार्ग की तुलना में भूभागों से अधिक था। उत्तरी और पर्वतों के और दर्रों के बहुत से और यात्री प्राचीन काल में भारत आए, और क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। आगे बात करते हैं, भारत और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, और इससे और बड़े और छः अन्य देश हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, फिर उसके बाद आता है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सन 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन किया करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय सरकारों या शासकों द्वारा के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। मन्नार की खाड़ी उथले और पानी की खाड़ी है, यह हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर का मतलब यह है कि हमारे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत तीन और समुद्रों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो मन्नार की खाड़ी जो है हिंद महासागर में लक्षद्वीप और सागर के एक हिस्से का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व और सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना आदि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। ये राज्य जो है समुद्र तट की जो सीमा है उसको स्पर्श नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का विशाल भूभाग महाद्वीप कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का जो विशाल भूभाग है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूभाग का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, यानी कि प्रायद्वीप मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि दक्षिण भारत की बात करते हैं या प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, तो भूभाग यानी कि प्रायद्वीपीय और भूभाग का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वीप की, यानी कि जिसे कहते हैं आइसलैंड, यानी कि भूमि का छोटा हिस्सा जो पूरी तरह जल से घिरा हुआ है द्वीप कहलाता है, यानी कि भूमि का एक ऐसा छोटा हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है उसको द्वीप कहा जाता है। जल संयोजी दो समुद्री और तथा जल के मध्य वृहत क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाला सरकरा और जलमार्ग जल संयोजी कहलाता है। अब बात करते हैं खाड़ी, खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र का वह क्षेत्र जो और तीन ओर स्थल से घिरा हुआ है खाड़ी कहलाता है, यानी कि समुद्र का वह क्षेत्र जो तीन ओर स्थल से, यानी कि तीन ओर स्थल भाग से घिरा हुआ है और एक ओर पानी से घिरा हुआ है, तो उसको खाड़ी कहा जाता है। दर्रा क्या होता है? पर्वत और श्रेणी के नीचे का वह हिस्सा अथवा घाटी जो पर्वत और श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है दर्रा कहलाता है। कर्क रेखा के बारे में हमने आपको बताया था कि जीरो से, यानी कि भूमध्य रेखा हमारे पास है 0 डिग्री, अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है हमारे पास, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर दिया हुआ है बुक्स में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग दो समान भागों में विभक्त करती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको और बता दूं कि भूमध्य रेखा जो है हमारे भारत को स्पर्श नहीं करती है, ना ही मकर रेखा भी हमारे भारत को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन जो कर्क रेखा है हमारे भारत राज्य को स्पर्श करती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत को स्पर्श करती है, भूमध्य रेखा नहीं करती है और मकर रेखा नहीं करती है, लेकिन कर्क रेखा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है या 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अब हम बात करते हैं उपमहाद्वीप, यह एक महाद्वीप के भीतर अलग भौतिक और तथा सांस्कृतिक पहचान रखने वाला भूभाग होता है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की, हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था यहाँ पर पूर्व में कि पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, जैसे पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। वही हमने बुक्स में भी हम जानेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, क्योंकि ये रेखाएं समान होती है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, और लेकिन जो देशांतर रेखा है वो असमान होती है,
जो ध्रुव है वहां पर पास पास होती है, भूमध्य रेखा के पास पास दूर दूर हो जाती है देशांतर रेखा, और जैसे दक्षिण ध्रुव के पास आते हैं फिर पास पास हो जाते हैं। तो ये असमान रेखाएं हैं, जबकि भूमध्य रेखाएं हैं वो समान होती है, जितनी दूरी भूमध्य रेखा पर है उतनी दूरी ध्रुवों के भी पास होती है। अब हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। ग्रीनविच यमोतर और वृत्त से पूर्व पश्चिम स्थित और स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हमारे पास जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, और ऐसे ही हमारे पास जीरो डिग्री यानी कि जीरो डिग्री उत्तरी ध्रुव और जीरो डिग्री और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यानी कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विश्व को उत्तर और दक्षिण दो समान भागों में विभक्त करने वाली और रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यानी कि कह सकते हैं कि जीरो डिग्री जो भूमध्य रेखा है यह भारत को दो भागों में, यह पूरे विश्व को दो भागों में बांट देती है। जीरो डिग्री उत्तरी ध्रुव यानी कि जीरो डिग्री से उत्तरी उत्तरी ध्रुव की ओर जैसे हम ऊपर की ओर चले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। जीरो डिग्री से नीचे की ओर आते हैं तो इसको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। पूरे विश्व को दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा है, जिसे दो भागों में बांटते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। आगे हम बात करते हैं प्रधान मध्यान रेखा। प्रधान मध्यान रेखा क्या है? प्रधान मध्यान रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। जीरो डिग्री और मध्यान रेखा देशांतर रेखा को कहा जाता है, और ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली और इस प्रधान रेखा या देशांतर रेखा को उत्तरी दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत उत्तरी और गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को दो समान हिस्सों में विभक्त करने वाली काल्पनिक रेखा है, जो भारत के गुजरात राजस्थान, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों को छूकर निकल रही है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर हमारे पास राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड और नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की और दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में, और इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो कुल लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत के गुजरात राज्य की तटीय और सीमा सर्वाधिक लंबी है। भारत और 68.7° से 97.25° पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82.30' पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक रेखा कहा जाता है, या मानक देशांतर रेखा कहा जाता है, जिसे मानक यमोतर कहते हैं। भारतीय मानक समय, जिसे कह सकते हैं कि IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT 5.5 घंटे आगे है, यानी कि भारत का जो समय है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान केंद्र के स्वयं भारत, और उत्तर से नेपाल, और उत्तर पूर्व से भूटान, पूर्व से बांग्लादेश से 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। भारतीय भूखंड एशिया और उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। प्रायद्वीपीय स्थिति, हिंद महासागर की स्थिति, स्वेज नहर की स्थिति, तटीय और रेखा की लंबाई भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक हैं। भारत के विश्व के देशों के साथ संबंध प्राचीन काल से रहे हैं, जिसमें जलीय मार्ग का अत्यधिक महत्व था। भारत के वर्तमान में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। तो बच्चों, ये लेसन आज पूरी तरह से आपको कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आज फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को रिवाइज करके, दोबारा से पीछे से रिवाइंड करके इसको वीडियो को दोबारा से अच्छे से समझ सकते हैं। और आपकी कोई भी डाउट्स हो इस लेसन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और उसको सोल्व कर दिया जाएगा।